दोस्तों, अपने प्लांट्स और गार्डन की केयर करने की टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉट गार्डन्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बहुत वीडियो भी बहुत शॉर्ट रहेगी और डेलिया प्लांट के ऊपर रहेगी। तो अक्सर आपने किसी ना किसी माली को या कोई ना कोई ये यूट्यूब पे जो वीडियो आती है उसके अंदर सुना होगा कि डेलिया प्लांट की रूट्स के अंदर एक रूट बॉल होती है और इसी वजह से उसको हम 5-6 इंच के गमले में नहीं लगा सकते, उसको हमने थोड़ा बड़ा गमला देना है 8-9 इंच का। हालांकि 5-9 इंच में भी वो चल जाता है लेकिन उसकी इतनी अच्छी तरह ग्रोथ नहीं होती। तो आज मैं आपको वो रूट बॉल दिखाने वाला हूँ। ये मेरा एक डेलिया का प्लांट है, ये मैं अपने साथ वाले माली से खरीद के लाया था। उसमें मैं से 10-10 रुपए लिए, वो भी गमले के लिए, और प्लांट तो मर चुका है। लेकिन मैं इसलिए लेके आया था कि मैं आपको दिखा पाऊं कि रूट बॉल कैसी दिखती है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इस गमले की, ये देखिए इसके अंदर ऑलरेडी आपको ये दिख रही होगी, बॉल दिख रही होगी, आप देखिए इसके अंदर। अब मैं इसको पौधा क्योंकि मर चुका है तो मैं इसको गमले से निकाल के आपको क्लियरली दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ये जो स्टेम है वो काट देता हूं ताकि हमें कोई अड़चन ना आए। तो मैं इसको पूरा का पूरा पटक देता हूं, काफी टाइट है, ये निकल नहीं रहा, निकल गया है अभी। ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी में साफ कर लेता हूं कि क्लियरली विजिबल हो जाए आपको। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी रूट बॉल है, देखिए कैसे ग्रो हो रही है। ये हर डेलिया के प्लांट में होती है, इसलिए कहते हैं कि डेलिया के प्लांट को जब लगाना है थोड़ा साइजेबल गमला लीजिए, कम से कम 8-9 इंच का लीजिए ताकि जितना इसका साइज बढ़ेगा उतना प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी और ज्यादा फ्लावरिंग होगी। इसको मैं दिखाता हूँ, एक बार तोड़ दूं क्योंकि अभी मर चुकी है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अलग से एक हिस्सा निकल आया, देखो कितनी कितनी बॉल्स हैं। दो बॉल्स मैंने निकाल ली हैं और ऐसी और भी बॉल्स इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, 4-5 बॉल्स इसके अंदर ऐसी हैं जो इकट्ठे जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ऐसे चिपका हुआ है, इसकी एक एक जो हल्की सी जो पतली सी चीज है वहां से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों थोड़ी जानकारी थी डेलिया के बारे में, बस इतनी ही वीडियो बनानी थी आज ताकि आपको थोड़ी डिटेल जानकारी दे दूं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और अगर आप किसी प्लांट के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमें मेंशन कीजिए, और ये भी मेंशन कर सकते हैं आप क्या क्या जानना चाहते हैं उस प्लांट के बारे में, तो हम वैसी वीडियो बिल्कुल बना देंगे। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे वो वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर वीडियो बनवानी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हम गार्डनिंग की काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे।